हमारे इलाकों में जो पानी है वो वहाँ तक पहुँचा कैसे है, कैसे कंटिन्यूसली पानी आ रहा है। आइए आज आपको पहली दफ़ा एक वीडियो में ये पूरा सिस्टम वाटर सप्लाई का जो अल्लाह ताला का अजीमुशान निज़ाम है वो एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पीछे ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है और हमारे ऊपर भी गिर रही है वो बारिश। ये बारिश पहली वाटर सप्लाई है, इसमें जो दरिया में पानी है जो आँख तक आ रहा है वो पहले नंबर पे जो है वो बारिश है। जब बारिश होती है तो उस वक्त ग्लेशियर और स्नो पिघलना बंद हो जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला का कितना सिस्टम है कि उस वक्त वो पिघलना बंद हो जाते हैं और सिर्फ हम तक बारिश का पानी पहुंचता है। जब बारिश ख़त्म होती है और बादल छट जाते हैं और सूरज निकलता है तो ये जो बारिश का पानी आ रहा होता है बिल्कुल उससे जुड़ जाता है अगला पानी, और वो पानी होता है वो जो पहाड़ के ऊपर फ्रेश स्नो है उसका पानी, जिसको पाउडर स्नो कहते हैं। यानी वो बिल्कुल पाउडर की तरह होती है और चूंकि वो चोटी पे होती है लिहाजा जो ही उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं वो पिघल के नीचे पानी में आ जाती है। उसके बिल्कुल पीछे पुरानी आइस पैक आइस होती है जो फिर पिघलती है और उसका पानी कंटिन्यूसली ट्रेन के डब्बों की तरह जुड़ा हुआ अगला पानी आता है, और वो है वो नीचे ग्लेशियर से ज़रा ऊपर जो वाइट कलर की स्नो है फिर उसका पानी आता है, और सबसे आखिर में जब वो स्नो भी पिघल जाती है तो सबसे आखिर में ये जो आप ब्लैक कलर का अपने सामने पत्थर देख रहे हैं ना, दरअसल ये पत्थर नहीं है, ये ग्लेशियर है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की सॉलिड पैक आइस, और सबसे आखिर में एक सूरज की रोशनी से ये पिघलती है तो फिर पीछे पीछे फिर इसका पानी आता है। तो ट्रेन में पानी की जो ट्रेन है जो आप तक आ रही है आपके नलके तक, नलका दरिया, दरिया लेक, लेक से फिर ये पहाड़, पहाड़ पे पहले बारिश, बारिश के बाद फ्रेश पाउडर स्नो, उसके बाद पानी पैक स्नो, और आखिर में ग्लेशियर। और यूँ पानी का एक पूरी ट्रैफिक है, निज़ाम है जो अल्लाह ताला हमारे लिए जारी रखते हैं, और उसमें बेसिक रोल बारिश का और उसके बाद टेम्परेचर का यानी सूरज की रोशनी का होता है।